संयुक्त प्रांत की दूसरी काउंसिल का पहला अधिवेशन जनवरी 1924 में आरंभ हुआ। पंत जी के पहले ही भाषण ने स्वराज पार्टी के नेता के रूप में उनकी धाक जमा दी। नवंबर 1927 में अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन बैठाने की घोषणा की। कमीशन में सभी अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। सभी नेताओं ने इस कमीशन की निंदा की, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता जिन्हा भी शामिल थे। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों का शिकार हो गए। 30 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन लखनऊ में इस चारबाग स्टेशन पर पहुंचा। कमीशन के लखनऊ पहुंचने से एक दिन पहले एक जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य 30 नवंबर के प्रदर्शन के लिए पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल करना था। अंग्रेजी सरकार ने इस जुलूस पर लाठी चार्ज किया और घुड़सवार पुलिस को दौड़ाया, जिसमें पंडित नेहरू, पंत जी तथा बहुत से और लोगों को चोटें लगी। इसके बावजूद दूसरे दिन हुसैनगंज चौराहे से होता हुआ लगभग 30,000 लोगों का एक जुलूस काले झंडे लेकर यहाँ इस स्टेशन पर पहुंचा। उस समय इस स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा खुला मैदान हुआ करता था। जुलूस को इसी मैदान में रोक दिया गया। अचानक घुड़सवार पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला कर दिया। पुलिस के इस प्रहार में पंडित नेहरू और पंत जी दोनों को चोटें लगी। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हालांकि मेरा शरीर चोटों से भर गया था, मगर मुझे किसी नाजुक जगह पर चोट नहीं लगी। लेकिन करीब खड़े लगभग 6 फुट लंबे गोविंद बल्लभ पंत पुलिस की लाठियों का आसान निशाना बन गए। साइमन कमीशन के इस लाठी प्रहार के बाद उनकी सेहत कभी भी सामान्य नहीं हो पाई, मगर इन लाठियों ने पंडित नेहरू और पंत जी के बीच दोस्ती का एक अटूट रिश्ता कायम कर दिया। पंत जी और कुमाऊं के दूसरे नेता बहुत समय से गांधी जी पर कुमाऊं आने के लिए जोर दे रहे थे। आखिर 14 जून 1929 को गांधी जी नैनीताल आ ही गए। उनके साथ नेहरू जी भी थे। उन्हें मल्लीताल एक बहुत बड़े जुलूस में ले जाया गया। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं की एक सभा बुलाई गई, जिसमें गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। नैनीताल के बाद गांधी जी कौसानी और अल्मोड़ा भी गए। गांधी जी की इस यात्रा ने पूरे कुमाऊं में स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक नया उत्साह पैदा कर दिया। दिसंबर 1929 को लाहौर में नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास कर दिया। यह प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। सभी कांग्रेस प्रतिनिधियों को केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। पंत जी ने भी संयुक्त प्रांत की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू हुई। 25 दिन की यात्रा के बाद गांधी जी ने विरोध के प्रतीक के रूप में समुद्र के किनारे जाकर मुट्ठी भर नमक उठाया। अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का ये एक संकेत था। 14 अप्रैल को नेहरू जी गिरफ्तार हो गए। 5 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दांडी यात्रा शुरू होते ही पंत जी को अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। अब यह केवल संवैधानिक लड़ाई नहीं थी, अब तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, जिसे गांधी जी ने गुंडा राज कहा था, एक पूर्ण युद्ध लड़ना था। लेकिन परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी थी। एक छोटी सी बच्ची थी जो तीसरी पत्नी से 40 बरस की उम्र पार करने के बाद प्राप्त हुई थी। कुछ सगे संबंधियों और विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी भी थी। वकालत के अलावा आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था, और गांधी जी के रास्ते पर चलकर वकालत संभालना संभव नहीं था। पिछले 15 सालों की कड़ी मेहनत से उनके रहन सहन का स्तर काफी अच्छा हो गया था। यहां नौकुचिया ताल में यह मकान उन्होंने 1922 में खरीदा था। इसके अलावा नैनीताल और हल्द्वानी में भी उनके पास मकान थे, और भवाली में एक बगीचा था। मतलब ये कि उनका सारा जीवन दांव पर लगा था। आखिर फर्ज की जीत हुई। उन्होंने देश सेवा के लिए अपनी अच्छी खासी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और नमक आंदोलन में कूद पड़े। पंत जी के कारण ही कुमाऊं में नैनीताल नमक आंदोलन का केंद्र बना। आज के नैनीताल में और 1930 के नैनीताल में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय इस माल रोड पर सिर्फ गोरे लोग ही टहल सकते थे। नेहरू जी की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही यहां रामलीला मैदान में एक जनसभा बुलाई गई। पंत जी ने सभा को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया और लोगों से बड़ी तादाद में इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उसी दिन राष्ट्रीय झंडे के साथ एक जुलूस निकाला गया, जिसमें औरतें और स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। यह जुलूस तल्लीताल बाजार से होता हुआ मोटर अड्डे की तरफ बढ़ रहा था कि पुलिस ने इस पर लाठीचार्ज कर दिया। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे आगे जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद नैनीताल में हर रोज राष्ट्रीय झंडे के साथ जुलूस निकलता और मुख्य मार्ग से होता हुआ गुजर जाता। यही झंडा आंदोलन आगे चलकर नमक सत्याग्रह के साथ जुड़ गया। पंत जी ने नैनीताल के पास कृष्णापुर में एक सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। 2 मई को पंत जी और 5 सत्याग्रही मल्लीताल सत्याग्रह के लिए चल पड़े। उन्हें मोटर अड्डे पर ही रोक दिया गया। अब पंत जी ने शहर के दूसरे किनारे नैना देवी के मंदिर से जत्था निकालने का निश्चय किया। उसे भी बीच में ही रोक दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सारे कुमाऊं में असहयोग आंदोलन ने और भी जोर पकड़ा और जगह जगह जुलूस निकाले गए। इस नमक आंदोलन में इंद्र सिंह नयाल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 23 मई को फिर इसी मैदान में एक और सभा हुई। पंत जी ने ऐलान किया कि वो 25 मई को नमक बनाएंगे, और उसी दिन वो गिरफ्तार कर लिए गए। पंत जी को 6 महीने की सजा हुई। पहले उन्हें देहरादून और बाद में बरेली जेल भेज दिया गया। पंत जी बरेली जेल में नवंबर 1930 तक रहे और उसके बाद रिहा कर दिए गए। लेकिन जेल के बाहर वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए। गांधी जी दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए विलायत गए। कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब कांग्रेस ने दोबारा असहयोग आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। यूपी यानी संयुक्त प्रांत में आंदोलन चलाने का बीड़ा पंत जी ने उठाया।
जिसका संचालन उन्होंने हल्द्वानी से शुरू किया। उस समय पंत जी इसी मकान में रहा करते थे। 18 फरवरी 1932 को सुबह 5:30 बजे उन्हें यहीं से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। यह समाचार फैलते ही पूरी हल्द्वानी में हड़ताल हो गई। लोगों के डर से अंग्रेजी सरकार ने आम अदालत की बजाय हल्द्वानी जेल में ही उन पर मुकदमा चलाया और उसी दिन 2 बजे तक अपना फैसला भी सुना दिया। फैसला सुनाते वक्त एसडीएम ने बड़ी ही हमदर्दी का दिखावा किया। उसने कहा कि मुलजिम बीमार है और बहुत दिनों से रीढ़ की हड्डी के दर्द का शिकार है, इसलिए उसे सिर्फ 6 महीने की कैद और 100 रुपए जुर्माने की सजा दी जाती है। इस तरह पंत जी दोबारा बरेली जेल पहुंच गए। बरेली जेल में नेहरू जी पहले से ही थे। यहां दोनों एक दूसरे के और भी करीब आए। नेहरू जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा है, 18 फरवरी 1932, बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल, गोविंद वल्लभ पंत आज शाम को आ रहे हैं। 23 मई सोमवार, गोविंद वल्लभ पंत ने एक हफ्ते का उपवास शुरू किया है। उपवास 20 की रात को शुरू हुआ था। 29 मई रविवार, गोविंद वल्लभ पंत का उपवास कल पूरा हो गया। वो बहुत कमजोर हो गए हैं, उनका 20 पाउंड के करीब वजन कम हो गया है। 13 अगस्त शनिवार, आज दोपहर बाद पंत जी रिहा हो गए। उनके बिना कुछ अकेलापन लगेगा। जितना भी मैंने उन्हें जाना उतने ही अच्छे लगे। वो एक बहादुर, बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। उन्हें हमेशा शारीरिक पीड़ा रहती है, मगर वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने संप्रदाय के आधार पर भारतीय मतदाताओं के विभाजन की घोषणा कर दी। साफ जाहिर था कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का एक षड्यंत्र था। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर ब्रिटिश सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ा। गांधी जी के अनशन ने हिंदू नेताओं को छुआछूत के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। पंत जी, बद्रीदत्त पांडे और इंद्र सिंह नयाल ने अछूतों उद्धार के लिए कूर्मांचल समाज सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन अल्मोड़ा में इसी बद्रेश्वर मंदिर के सामने हुआ। सब उपस्थित लोगों ने बद्रेश्वर मंदिर के सामने शपथ ली कि हम छुआछूत को जड़ से मिटा देंगे। पंत जी ने अपने भाषण में कहा कि कूर्मांचल का सबसे बड़ा कलंक छुआछूत की प्रथा है। दूसरे दिन पंत जी के सुझाव पर लगभग 100 ऊंची जाति के लोग बाजार से होते हुए टमटा नौला गए। उन दिनों अल्मोड़ा में टमटा जन या शिल्पकार अछूत माने जाते थे और उनके पानी पीने का नौला यानी चश्मा अलग था।
पंत जी और उनके साथियों ने यहां आकर टमटा नौला से पानी पिया। इसके बाद शिल्पकार लोगों के नेता हरिप्रसाद टमटा ने पंत जी से कहा, आज मेरी शंका दूर हो गई। और इसके कुछ ही दिनों बाद मुरली मनोहर मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए गए। ১৯৩৪ में कांग्रेस ने पांचवी केंद्रीय असेंबली के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंत जी रोहिलखंड कुमाऊं के गैर मुस्लिम क्षेत्र से निर्विरोध चुन लिए गए। पांचवी केंद्रीय असेंबली में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके नेता थे भुला भाई देसाई और उपनेता गोविंद बल्लभ पंत। हाजिर जवाबी और बहस करने में इन दोनों नेताओं का कोई सानी नहीं था। तथ्यों को तर्क के साथ पेश करना और मुश्किल बात को आसान शब्दों में कहना पंत जी की खूबी थी। वो व्यंग बाण भी चला लेते थे मगर जहर बुझे तीर नहीं। अपने विरोधियों का उपहास भी कर लेते थे मगर किसी को बुरा भी नहीं लगता था। यादाश्त इतनी तेज कि जो एक बार पढ़ लिया या जो चेहरा एक बार देख लिया उसे कभी नहीं भूलते थे। पांचवी केंद्रीय असेंबली में ब्रिटिश सरकार की तरफ से पंत जी के खास विरोधी थे फाइनेंस मेंबर यानी फाइनेंस मिनिस्टर सर जेम्स ग्रिग। असेंबली के अध्यक्ष यहां बैठते थे, सरकार के मेंबर अध्यक्ष की दाहिनी तरफ और विरोधी दल के नेता उनकी बाईं तरफ। पंत जी भोला भाई देसाई के साथ यहां बैठा करते थे और सर जेम्स ग्रिग ठीक उनके सामने। 28 फरवरी सन 1935 को सर जेम्स ग्रिग ने अपना पहला बजट पेश किया। 13 मार्च 1935 को बजट पर बोलते हुए पंत जी ने कहा, सर आई वॉज स्ट्रक बाई द ईज एंड द ग्रेस ऑफ द पोज ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। ही एवर लुक सो फ्रेश एज द रोज इन हिज बटन होल। It was a mystery to me how a man involved in figures, having to face all this criticism and carry on with him the load of millions of rupees on the one hand and of millions of impoverished, starving people on the other, would be so perennially ill. I was really perplexed, but his speech the other day gave me the answer. And I would have almost shouted, Eureka! I found that he is not oppressed by any economic theories, doctrines, or canons. The Honorable Finance Minister asserted with some emphasis that as a rule, 5 economists hold 6 opinions, and in this country, as many as 60. I think, sir, that even Sir James Grigg could, after all, have 2 opinions, one in England and the other in India. There is greater unanimity in the essentials and fundamentals of economic thought and opinion today than ever before. No, sir. It is easy to say no. But it is not easy to demonstrate and to establish that no. I am prepared to establish my yes. He refuses to take note of what has happened
since the days of Adam Smith, as he would not perhaps of what has happened since the days of Adam and Eve. He can only think of lesser fear. He is still lost in lesser fear. Yes, what of that? Do you observe lesser fear in your country? Please answer then. Subsidies in England, how many millions? Protective duties in England, how many millions? Subsidies to the livestock industry, how many millions? Bounties to wheat growers, how many millions? Bounties to beet growers, how many millions? Preferential tariffs, against whom? Quotas and agreements, for what purpose? Economic Council, its objective. Development Board, its purpose. Board of Trade, its constitution. Well, sir, I wait for a reply and expect the Honorable Finance Minister to enlighten me on these points and tell me how far these are consistent and compatible with the underlying principles of laissez-faire. असेंबली ने सर जेम्स ग्रिब का बजट नामंजूर कर दिया, जिसे बाद में गवर्नर जनरल के खास हुक्म से लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में पहली बार चुनाव हुए। पंत जी ने दोबारा संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव में 9 प्रांतों में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रही। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस का बहुमत था। 17 जुलाई 1937 को पंत जी संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बन गए। उनके मंत्रिमंडल में रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काजू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे नेता शामिल थे। भारत में विजयलक्ष्मी पंडित पहली महिला मंत्री थीं। जब पंत जी प्रीमियर बने तो सर हैरी हेग संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। नैनीताल में हैरी हेग यहां रहा करते थे। हालांकि पंत जी और हैरी हेग के अच्छे संबंध थे, फिर भी गवर्नर अंग्रेज था और प्रीमियर एक हिंदुस्तानी, कहीं ना कहीं तो टकराव अनिवार्य था। पंत जी ने यह फैसला किया कि सब राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन हैरी हेग ने गवर्नर जनरल के आदेश पर कुछ कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इसी मसले को लेकर फरवरी 1938 में पंत जी ने अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया। इन 1938 द इशू ऑन विच पंडित पंत प्रेजेंटेड हिज रेजिग्नेशन was the release of political prisoners. This was a very delicate matter, because these men and women who were prisoners at that time had been agitating against the British government. इसके फौरन बाद हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इस मसले पर एक प्रस्ताव पास हुआ। गांधी जी ने भी गवर्नर जनरल के साथ ये मसला उठाया। गवर्नर जनरल ने आश्वासन दिया कि अंग्रेजी सरकार राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले में दखल नहीं देगी, और इस तरह हरिपुरा कांग्रेस से लौटने के बाद पंत जी के मंत्रिमंडल ने दोबारा कार्यभार संभाला और पंत जी लगभग 2 साल 4 महीने तक संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान संयुक्त प्रांत ने हर दिशा में प्रगति की, लेकिन शायद सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि जनता को पहली बार नागरिक अधिकार मिले और खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ। समाचार पत्रों के ऊपर नियंत्रण हटा दिए गए, ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया गया, सूखाग्रस्त इलाकों में भूमि कर माफ कर दिया गया।
इससे ये साबित हो गया कि जनता की अपनी चुनी हुई सरकार एक अच्छा शासन चला सकती है। तीस अक्टूबर 1939 को पंत मंत्रिमंडल ने दोबारा इस्तीफा दे दिया। In 1939, we were dragged into the war without our consent. We were made participants in the war through Whitehall, and that was a big insult to us because we were not given the freedom for which the other people were fighting, and for us that was a humiliation. And all the Congress ministers gave their submitted their resignations. इस अवसर पर नेहरू जी ने नेशनल हेरल्ड के संपादकीय में लिखा, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें संयुक्त प्रांत में पंत जी जैसा विलक्षण प्रतिभा वाला और योग्य प्रधानमंत्री मिला। वे हर दृष्टि से सज्जन पुरुष हैं। एक ओर सहयोगियों से जहां उन्हें स्नेह मिला, दूसरी ओर विरोधियों से प्रशंसा भी। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस को एक आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पंत जी ने प्रस्ताव रखा कि अध्यक्ष को नई कार्यकारिणी समिति का गठन गांधी जी के परामर्श से करना चाहिए। हालांकि यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का आपसी मतभेद दूर नहीं हो पाया। अंत में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना ही भारत को युद्ध की लपटों में झोंक दिया। इस तरह न चाहते हुए भी भारत को इस साम्राज्यवादी जंग में घुसना पड़ा। इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग सुझाया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और नेहरू जी दूसरे। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। संयुक्त प्रांत में नेहरू जी के बाद अगले सत्याग्रही पंत जी थे। 24 नवंबर 1940 को उन्होंने हल्द्वानी में अपने घर के सामने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा की। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार लोगों को संबोधित करते हुए पंत जी ने बार बार नारे लगाए, इस अंग्रेजी लड़ाई में आदमी या पैसे से मदद करना हराम है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की सजा देकर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। सात अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बंबई में एक खास बैठक हुई। पंत जी ने भी इस बैठक में भाग लिया। अगले ही दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हो गया। गांधी जी ने लोगों से कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं और वो मंत्र है, करो या मरो। हम या तो स्वतंत्र होंगे या इसी प्रयास में प्राण दे देंगे। दूसरे ही दिन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पंत जी भी शामिल थे। पंत जी को अहमदनगर के किले में कैद कर दिया गया। उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी आदि इसी किले में कैद थे। पंत जी अपना ज्यादा समय पढ़ने में व्यतीत करने लगे। इसी जेल में पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। इस किताब की पांडुलिपि पढ़कर पंत जी ने कई सुझाव दिए, जिन्हें नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में शामिल कर लिया। इसका जिक्र नेहरू जी की जेल की डायरी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भूमिका में मिलता है। जेल से पंत जी अपनी बेटी लक्ष्मी और बेटे राजा
यानी केसी पंत को नियमित रूप से पत्र लिखा करते थे। 28 नवंबर सन 1942 के पत्र में उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि इम्तहान में पर्चे किस तरह से करने चाहिए। जवाब लिखने से पहले इम्तहान के पर्चे को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो, खूब ध्यान से। जब तक पर्चा समझ में ना आ जाए उत्तर नहीं लिखना चाहिए। 28 दिसंबर 1942, अच्छा तो तुमने नैनीताल में बर्फ गिरती हुई देखी? कैसा सुंदर है ये दृश्य, ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई बहुत बड़ा दैवी वृक्ष हो जिसके छोटे छोटे पत्ते बर्फ के रूप में धरती पर झड़ते हैं, सारी धरती दूधिया नजर आती है। 9 जनवरी 1943, क्या तुम लोग इन दिनों किसी पहाड़ी पर गए हो? क्या आजकल भी आकाश में बादल छाए रहते हैं? जब मौसम खुला हो तो तुम लोग टिफिन टॉप और लैंड्स एंड जरूर होकर आना। अहमदनगर जेल में पंत जी बहुत बीमार रहे, उन्हें हर्निया हो गया था और बगैर छड़ी के चल नहीं सकते थे। रीढ़ की हड्डी का दर्द पहले ही था, अब दांत का दर्द भी रहने लगा था। इन सब के बावजूद अपनी बीमारी की शिकायत उन्होंने कभी किसी से नहीं की। आखिर में बीमारी की ही वजह से 2 साल 8 महीने के बाद पंत जी को जेल से रिहाई मिल गई। कुछ समय बाद बाकी नेता भी रिहा कर दिए गए। 25 जून 1945 को वॉयसराय लॉर्ड वेवल ने भारतीय नेताओं को शिमला में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया। इसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं को लेकर एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करना। पंत जी ने भी और प्रमुख नेताओं के साथ इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जिन्हा चाहते थे कि नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सब मुसलमान मेंबर मुस्लिम लीग के ही सदस्य हों, कांग्रेस नेताओं को यह बिल्कुल नामंजूर था। पंत जी ने जिन्हा को समझाने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो पाए और शिमला सम्मेलन बगैर किसी समझौते के खत्म हो गया। एक तरह से देश का बंटवारा होना अब निश्चित हो चुका था। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वॉइसरॉय बने। 3 जून को उन्होंने मुल्क के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। इस बीच पंत जी दोबारा संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बन चुके थे और नेहरू जी ने केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया था। 14 जून 1947 को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। पंत जी भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक में देश के बंटवारे के प्रस्ताव पर विचार हुआ। दरअसल कांग्रेस का कोई भी नेता देश के विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अब आजादी हासिल करने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बंटवारे को मानने का प्रस्ताव पंत जी ने पेश किया, जिससे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और अन्य नेता भी सहमत थे। हालात से विवश होकर कांग्रेस को विभाजन का प्रस्ताव मंजूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। आजादी के जश्न अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि सारे पंजाब में सांप्रदायिकता की आग फैल गई। लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और इसी तरह लाखों मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। सांप्रदायिकता की इस आग में आखिर गांधी जी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या हो गई।
देश अनाथ हो गया।